हेलो, गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड इट अनदर व्लॉग। सो अभी टाइम हो रहा है 10:30 और मैं अब व्लॉग शुरू कर रही हूँ। सुबह से लेकर क्योंकि थोड़ा बहुत छोटे मोटे काम थे, सफाई वगैरह करी थोड़ी बहुत, अभी झाड़ू पोछा करा और अब नहाने जाऊँगे, उसके बाद ब्रेकफास्ट करेंगे। और फर्स्टली आप सबको हैप्पी दिवाली, और ये है मेरी ससुराल में पहली दिवाली। तो इसी के साथ मिलती हूँ आपसे बाद में, शायद हम मार्केट भी जाएंगे, देखते हैं क्या क्या होता है। तो इसी के साथ मिलूँगे बाद में। हम लोग नहा धो के और हमारा ब्रेकफास्ट भी हो चुका है, सफाई वगैरह भी सब हो चुकी है। अब हम बना रहे हैं फूल की माला और मम्मा कर रहे हैं कुछ कुछ आईब्रोज बना रहे हैं मम्मा साक्षी की, और अनन्या गई है बाहर गुड्डन के पत्ते तोड़ने। इतना गहरा ही नहीं जाना है। गेंदे के फूल और ये है गुड्डन के पत्ते, गुड़हल के, गुड़हल गुड्डन मुझे नहीं आता इसका नाम, गुड्डन तुमसे ना हो पाए है ना, तो सीरियल हो गया। पास आओ, देखो लो करीब से, ये तो छूटे ही नहीं। ऊपर वाले में लगाओ, ऊपर वाले में इसको। नाइस, सेंटर में लगाओ ना बेटा, और रेड आधे इधर को आधे उधर को, तब अच्छे लगेंगे ना। पता कि ये ऊपर अच्छा, चलो पॉइंट ठीक है। हाँ ऐसे लगाओ, हाँ वैसे तो दो प्रेक होनी चाहिए थी, तो ये उधर को अच्छा लग रहा। चलो पॉइंट देखते हैं, देखते हाँ मेरे पास ये काम रह गया, ऐसे अच्छा लग रहा था नीचे। हाँ लगाएंगे, ये ना लगा देना हाथ में, ठीक है। अच्छा मंदिर के लिए रखते हैं अंदर, वैसे ये लंबी है बाहर लगाते हैं, बराबर है। इसमें ऐसे भी साफ सुथरा बनाया ना, छोटी हाइट नीचे। हम लोगों ने फूल की माला लगा ली, अब मैं जा रही ऊपर वाली रूम पे लगाने। अनन्या आजा, फटाफट जाएंगे और इसके बाद हम बनाएंगे रंगोली। समस्या चेयर से ही सब कुछ करना होता है, इतना सा दरवाजा बिना चेयर की पहुंचना बहुत आसान है। ये मैंने बनाया है दिया रखने के लिए, फूलों की रंगोली दिया रखने के लिए।
बोलो कुछ कुछ नहीं बोलना है, मेरे फूल कम पड़ गए इसलिए मैं अब इनको फिर से खोल के रख देती हूँ ताकि मेरे फटफट बन जाए। जैसे कि और ये बन रही है यहाँ हमारी रंगोली, ये देखिए अब इसको बनते बनते समय लगेगा, बाद में दिखाएंगे आपको पूरी रंगोली। हमारे रंगोली का पिखारा पड़ा हुआ है और ये देखो ये हमारा डोर हमने थोड़ा बहुत डेकोरेट कर लिया है। ये मैंने थाली में लगाए हुए सारे फूल जिनसे मैं ये सब बना रही हूँ। ये हमारी रंगोली बन चुकी है और ये हमने फूल वाली बनाई है, इस पे हम दिए रखेंगे शाम को। ये देखो कितनी प्यारी बनी है। सो रंगोली और जो छोटी बहुत सी डेकोरेशन थी, मतलब थोड़ी बहुत सी जो डेकोरेशन थी वो हमने कर ली है। अब जो बचा कुचा है वो हम करेंगे मार्केट से आने के बाद। अब थोड़ी देर जा रहे हैं हम मार्केट, क्योंकि साक्षी अन्ना बोल रहे कि मार्केट चलो, मार्केट भी जाना है। फिर ऐसे ही एक दो चक्कर लगा के फिर घर आएंगे पूजा वाले टाइम पे, फिर थोड़ा बहुत मंदिर को डेकोरेट करेंगे, फिर देखते हैं उसके बाद क्या करेंगे। तो अभी फटाफट से रेडी होती हूँ तो उसके बाद मिलती हूँ आपसे। तो मैं हो चुकी हूँ रेडी और अभी साक्षी नन्या रेडी हो रहे हैं और मेरे पास बैटरी नहीं है, तो मैं तब तक नीचे जाती हूँ क्योंकि वायर यहाँ पे अडेप्टर नीचे है तो उसको लेके आती हूँ। हम लोग घर से निकल चुके हैं और टाइम भी बहुत हो चुका है, 4 बज गए। तो अभी हम फटाफट जाएंगे, एक दो राउंड मारेंगे और घर आएंगे। और अभी हमें छोड़ने जा रहे हैं चेतन, वो छोड़ेंगे हमको मार्केट तक। हम लोग मार्केट पहुंच चुके हैं और यहाँ पे इतना ज़्यादा क्राउड है, बहुत ज़्यादा क्राउड है, आपको भी दिखाते हैं। क्राउड 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 तो मेरी दुकान पे आइए पर। ये लगे हैं फूल, ये यहाँ जोत के लिए रुइयां बेच रहे जो मार्केट है वो सारी, मतलब लोग भी कम हो गए और सामान वगैरह बहुत थोड़ा थोड़ा रहा हुआ है शॉप्स में। तो अब हम जा रहे हैं वापस घर की तरफ, तो अब घर में जाएंगे। पहले पहले से ओल्ड बस स्टैंड से हम बस में जाएंगे, फिर चंबा हाट उतरेंगे, वहाँ से थोड़े बहुत से क्रैकर्स लेंगे, क्रैकर्स नहीं लेंगे फुलझड़ियाँ लेंगे और फिर हम चल जाएंगे घर। ये लगी है पटाखों की दुकान और हमने पटाखे ले लिए और मैं शूट करना भूल गई, तो क्या कर सकते हैं। ये होता है कभी कभी ब्लॉग बनाने के डिसएडवांटेज, क्योंकि आप चीज़ें भूल जाते हो कि आप ब्लॉगिंग भी कर रहे हो, बट इट्स ओके। अब घर जाके दिखाएंगे कि क्या क्या लिया है हमने। देखो सोलन कैसे डेकोरेट हुआ हुआ है, हर जगह लाइटिंग लाइटिंग लाइटिंग। तो हम लोग पहुंच चुके हैं वापस घर और मार्केट में हमने लिया भी कुछ भी नहीं, बस ऐसे एक दो राउंड मारा और वापस आ गए। और बाहर रात भी बहुत हो गई थी तो हमने सोचा चल पड़ते हैं, टाइम 6 बज चुके हैं और अभी जाते हैं पूजा वगैरह करते हैं, फिर दिखाते हैं क्रैकर्स वगैरह हमने क्या क्या लाए हुए। तो मैं फटाफट चेंज कर लेती हूँ, मिलती हूँ आपसे। मैंने चेंज कर लिया है और अभी मैं जा रही हूँ नीचे, अभी मैं बाहर दिखाती हूँ। हम लोगों ने ना सुबह बाहर लाइट्स भी लगाई थी, वो दिखाती हूँ अभी। ये है हमारी लाइट इस साइड से,
परे तक लगाई है। ये हो रही है पूजा की तैयारी। ये देर में दिल भर है। ये हम माता के पैर को चिपका रहे हैं। जय हो माता रानी। हमारे घर आना, हमें बहुत सारी लक्ष्मी देके जाना। अभी एक बाहर लगाएंगे। अब मम्मा यहाँ कागज लगाना है, बेटा यहाँ कागज लगाना है। इन चारों के बीच में फूल रख दो, गेंदे का यहाँ सेंटर में, इस साइड को अंदर की साइड को लगा। यहाँ जो हाँ यहाँ लगा, नहीं तो पैर लगेगा ना नीचे।
बस 2 मिनट लगेंगे, ज्यादा देर लगेगी, एक साइड जाओगे उसके साथ दो ऊपर भी रखने दरवाजे के पास बेटा ना, इनको बोल दो ले जाएंगे। चेतन तू ले जा, दो ऊपर रखे जड़े। तो हमारे दिए लग चुके हैं, थोड़ा बहुत दिखाती हूँ मैं। रुको मम्मा, ये देखो हमारी रंगोली के पास दिए। ये है हमारे क्रैकर्स, हम ज़्यादा नहीं लेके आए, ज़्यादा हम बस फुल झड़ियाँ लाए। और ये अनार लेके आए, अरे खुल जाओ, ये हम अनार लेके बस थोड़े से ये, और ये पटाखे लेके आए बस। साक्षी जी 3 बच्चे करने हैं हमें हाथ में कि नहीं? दो ही बच्चे हैं, बता दो इतना है नहीं। अरे क्यों नहीं रह रहा दूर? तो हम लोगों ने फुलझड़ियाँ वगैरह जला दी है, और अब ये लोग तो जला ही रहे, मैंने इतनी जलानी है। और अब जाएंगे डिनर बनाएंगे, और इसके बाद तो सोएंगे और क्या ही करेंगे। तो इसी के साथ मैं ये ब्लॉग करती हूँ, एंड आई होप कि आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो। पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले, चैनल पे न्यू हो तो चैनल सब्सक्राइब करके जाए। इसी के साथ मिलते हैं एक न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।